नमस्कार। आइए आज हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे पढ़ते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है एस्टिलीन से बेंजीलीन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एस्टिलीन का सूत्र क्या होता है। पहला क्वेश्चन है एस्टिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। एस्टिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। आप पहले नंबर आपको इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि एस्टिलीन का क्या सूत्र होता है। सपोज कीजिए आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको रसायन विज्ञान में पता होना चाहिए। एस्टिलीन का सूत्र क्या है, तो एस्टिलीन का सूत्र है HC=CH। ये CH2C2H2 फार्मूला क्या होता है, C2H2। तो ये किसका फार्मूला है, एस्टिलीन का। ये एसीटिलीन है। एस्टिलीन को अगर आप गर्म करते हैं किसी रक्त तप्त नली में, किसी रक्त तप्त नली में गर्म करते हैं तो आपको बेंजीन प्राप्त होगा। एस्टिलीन गैस को रक्त तप्त नली में अगर आप इसको गर्म करते हैं, रक्त तप्त तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा नली जो एकदम रक्त जैसे तप जाए, यानी कि गर्म हो जाए, रक्त जैसे दिखाई दे, तो आपको प्राप्त होता है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आपको तैयार है, ये बेंजीन है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कैसे प्राप्त करोगे एस्टिलीन से बेंजीन, तो क्या जवाब देंगे कि एस्टिलीन को रक्त तप्त नली पर गर्म करेंगे तो बेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा। इसको लिखेंगे आप, केवल रासायनिक समीकरण देना है, ये फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, क्लोरोफार्म से एस्टिलीन गैस कैसे प्राप्त करोगे। क्लोरोफार्म से एस्टिलीन गैस कैसे प्राप्त करोगे, तो पहले नंबर तो हम जानते हैं कि क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। यहाँ देखिएगा थोड़ा बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 कर लीजिएगा, 3HCCH, HC=CH। क्लोरोफार्म है CHCl3। क्या है, क्लोरोफार्म है, और क्लोरोफार्म को आप रजत सूत्र क्या है, Ag6Ag, ये आपका क्लोरोफार्म है। क्या है, क्लोरोफार्म को रजत चूर्ण 6Ag किसे, रजत चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। रजत चूर्ण के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपको एस्टिलीन गैस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टिलीन गैस प्राप्त होगा। एस्टिलीन का फार्मूला यही है, C2H2+6AgCl। क्या प्राप्त होगा, 6AgCl। यानी कि अब अगर आप क्लोरोफार्म को गर्म करें रजत चूर्ण में, तो आपको प्राप्त होगा AgCl। ये आप रिएक्शन लिखें। अब इसी रिएक्शन से हम लोग ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफार्म से। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसी रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, हाउ टू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे ये रिएक्शन तैयार, तो सारा रिएक्शन तैयार, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफार्म से बेंजीन। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफार्म से बेंजीन। अब इस रिएक्शन को करना है हमें, तो अगर ये रिएक्शन तैयार है कि आप एस्टिलीन से बेंजीन बनाए हैं और यहाँ क्लोरोफार्म से एस्टिलीन बनाए हैं, दो चीज एस्टिलीन बनाए हैं, एस्टिलीन
तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे, क्लोरोफार्म से पहले एस्टिलीन और फिर एस्टिलीन से फिर क्या बेंजीन। तो ऐसे रिएक्शन को करने के लिए आपको पहले ये दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि आप क्या किए, पहले आप क्लोरोफार्म को रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ आपका एस्टिलीन। क्या प्राप्त हुआ, एस्टिलीन। और इस एस्टिलीन को साथ ही में आपको 6-AGCl मिला और इस एस्टिलीन को क्या किए, रक्त तप्त नली तक, रक्त तप्त नली में गर्म किए तो आपको क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन। क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफार्म से बेंजीन, ये दो रिएक्शन तैयार, तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफार्म से बेंजीन तैयार हो गया। फिर ध्यान देंगे एस्टिलीन गैस को रक्त नली तक गर्म करेंगे तो आपको बेंजीन प्राप्त होगा, फिर क्लोरोफार्म को रजत चूर्ण 6-AG के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टिलीन गैस प्राप्त होगा। और तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन गया कि क्लोरोफार्म से कैसे बेंजीन प्राप्त करोगे, तो वही उल्टा कर देंगे, क्लोरोफार्म से पहले क्या बनाएंगे, एस्टिलीन। देखिए ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म से आप क्या बनाए, एस्टिलीन। एस्टिलीन जब बन गया तो रक्त तक नली तक गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। ओके, आप इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में, नोट करें। अगला क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, एस्टिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन क्या है, एस्टिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो पहले नंबर हम लोग तो लिख लेते हैं, यहाँ आंसर लिखेंगे थर्ड, एस्टिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो एस्टिलीन का फार्मूला क्या होता, अभी पढ़े CH3CH, ये क्या है, एस्टिलीन गैस है। क्या है, एस्टिलीन गैस है। आप एस्टिलीन गैस को मर्क्यूरिक Hg2+ की उपस्थिति में H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, आपको मिलेगा CH3CHO। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा CH3CHO एल्डिहाइड मिल जाएगा, और इस एल्डिहाइड का ऑप्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। क्या मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल। यानी कि अगर आप एस्टिलीन गैस को एस्टिलीन गैस को सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराएं, यहाँ देखिएगा केवल बॉन्ड परिवर्तन होता है, CH3CHO मिल जाएगा, और CH3CHO को चूंकि इसका क्या नाम है, एल्डिहाइड है, क्या है, एथिल एल्डिहाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराएं तो CH3CH2OH मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन से एस्टिलीन कैसे बनाएंगे, इसको नोट करेंगे। ओके, देखेंगे एथिलीन से एस्टिलीन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2CH2, ये एथिलीन है। ब्रोमीन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा एथिलीन डाई ब्रोमाइड CH2Br एथिलीन डाइब्रोमाइड, और एथिलीन डाइब्रोमाइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको एस्टिलीन गैस मिलेगा। तो आज हम लोग देखे, बात चल रहा था एस्टिलीन का हर जगह, तो आप एस्टिलीन पढ़ेंगे, यानी कि एस्टिलीन से कैसे, एस्टिलीन को हम लोग मेन लेके चले कि कैसे प्राप्त करोगे, और एस्टिलीन का मेन पॉइंट था। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे और
अच्छे से अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।